मगर कॉर्पोरेशन में कई स्कीम थे, वो स्कीम हम यहाँ पे लाने की कोशिश करे मगर यहाँ के MLA हमको लाने नहीं दिए। एक बार उनको नासिर वस्ताद को जिता के देखियो, बाद में क्या करते जब आप देख लो। और ये इलेक्शन हमारी इज्जत का इलेक्शन है। मैंने 1 रुपए में 20 लीटर बिस्लरी पानी का प्लान डाला था। और नासिर भाई के साथ में हम हर वक्त दिल से जुड़े हुए हैं और दिल से ही काम करेंगे इंशाल्लाह। लोग यही कह के पटेल साहब UDS पार्टी में जाना है तो हम आपके साथ में। कल मुगल फंक्शन हॉल के अंदर एक मेरा जॉइनिंग का प्रोग्राम रखे गया है। पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम नासिर वस्ताद को जिता के रहेंगे। This video presented by Bakers Public School, Gulbarga. Your kids deserve the best education. Interactive and engaging activities, holistic teaching and learning. 2023 admission are in progress, nursery to grade 9. Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road, Gulbarga. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ वार्ड नंबर 4 के अवाम की, जिन्होंने मुझे जीतागढ़ कॉर्पोरेशन भेजा, मैंने कॉर्पोरेटर बना और उसके बाद मैं वार्ड नंबर 4 से चेयरमैन भी बना। सबसे पहले मैं हमारी अवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे भाई बहन माँ और बहना जिता के जो मेरे कॉर्पोरेशन भेजे, मगर कॉर्पोरेशन में कई स्कीम थे, वो स्कीम हम यहाँ पे लाने की कोशिश करें मगर यहाँ के MLA हमको लाने नहीं दिए। जैसा कि खाली एक ही मसला बोलता हूँ कि मैंने 1 रुपए में 20 लीटर बिस्लरी पानी का प्लान डाला था, वो प्लान उन्होंने कैंसिल किया। और रही बात 4% की माइनॉरिटीज़ का जो रिजर्व किया गया था, कुमार स्वामी साहब वो स्कीम लाए थे, कुमार स्वामी साहब लाए थे, कोई भी नहीं लाया यहाँ पे कर्नाटक के अंदर। और आने वाले पीरियड में देवीगौड़ा साहब और कुमार स्वामी साहब 10% लाने का वादा करें, जो हमारी बच्चे और माँ और बहना डॉक्टर भी बन सकती, इंजीनियर भी बन सकती, हर एक डिग्री को आपको पैसे बच सकते हैं, स्कॉलरशिप का मामला हो या हिजाब का हो। और मैं तमाम हमारे वार्ड नंबर 4 की आवाम से, मेरे भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से और मेरी माँ और बहनों से मैंने ये पूछा कि भाई हमने तो इलेक्शन 65 वोट से इलेक्शन यहाँ पे हारे, इसकी हार नहीं है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, वो मेरी जीती है जो वह मेरे आज भी इतने साथ में है। मैं ये लोग से मशवरा किया, ये लोग यही कह के पटेल साहब अगर आपको जाना है तो JDS पार्टी में जाना है तो हम आपके साथ में हैं, वरना आपके साथ में हम नहीं हैं। मेरे माँ और बहनों भी बोले, मेरे दोस्त बोले, मेरे साथी बोले, इनके कहने के मुताबिक मैंने ये डिसीजन लिया हूँ। कल मुगल फंक्शन हॉल के अंदर एक मेरा जॉइनिंग का प्रोग्राम रखे गया है, जो मेरे साथी बड़े बुजुर्ग माँ और बहनों के साथ मैं कल जॉइनिंग होऊंगा। JDS पार्टी जॉइनिंग होने का हमने नासिर हुसैन उस्ताद को एक लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ से उन्हें कामयाब भी होंगे। और आने वाले इलेक्शन के अंदर हमारा सिंबल एक किसान औरत भरा है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। अब आजम पटेल साहब हमारे वार्ड नंबर 4 के जो पुराने कॉर्पोरेटर हैं, अभी एक्स कॉर्पोरेटर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट टाइम इलेक्शन में भी हम लोग साथ में ठहर गए पटेल साहब को काम करे, और लास्ट टाइम नासिर भाई का भी जनता दल के अंदर काम करे हुए हैं, और पटेल साहब के साथ में आने के लिए पब्लिक को और ये पूरे बच्चे जो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह नासिर भाई का साथ देने के लिए और नासिर भाई को जिताने के लिए पूरी दिल और जान से कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इलेक्शन हमारी इज्जत का इलेक्शन है, ना पैसे लेना है हमको, ना पैसे अपने जेब के लगा के हम खर्चा करके नासिर भाई को जिता के लेकर आना है। और नासिर भाई के साथ में हम हर वक्त दिल से जुड़े हुए हैं और दिल से ही काम करेंगे इंशाल्लाह। आजम पटेल के साथ हैं, आजम पटेल जहाँ जाएंगे आजम पटेल के साथ हम जाएंगे, नासिर उस्ताद का काम करेंगे। आजम पटेल एक गली का हीरा आदमी है, आजम पटेल को छोड़ को हम कहीं नहीं जाएंगे। हमको MLA होना है आदमी, औरत को नहीं होना है, औरत को नहीं जिताना, बराबर करेंगे नासिर उस्ताद के सपोर्ट। जो आजम भाई हमारा साथ है हम उसके साथ हैं, नासिर उस्ताद के साथ में रहेंगे, नासिर उस्ताद के साथ में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, देखो हम यहाँ 20 साल से हैं ये महले में, हम आजम पटेल के साथ ही हैं, हर हमेशा आजम पटेल खुद डालेंगे हम वोट। और नासिर उस्ताद इतने अच्छे गरीबा का इतना साथ देते हैं, वो जो कुछ भी अलमी हुआ उन्होंने इतना साथ दिए, सब पब्लिक को साथ दिए। सो है जो परसों तकरीर करे, जो वाकया में ऐसा करे, उनके पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम नासिर उस्ताद को जिता के रहेंगे। और कनीस फातिमा को जिताना नहीं आपके, एक बार उनको नासिर उस्ताद को जिता के देखियो, बाद में उन्हें क्या करते जब आप देख लो, जब सोच को जब वोट डालो और डालो तो नासिर उस्ताद को डालो। आजम भाई जा रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे, आजम भाई के साथ रहेंगे, आजम भाई के साथ ही रहेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वार्ड नंबर 4 से मैं जावेद नाम है मेरा, मैं जावेद बोल रहा हूँ। हम सब आजम पटेल के साथ में हैं और हम JDS का काम करेंगे और दिलो जान से JDS का काम करेंगे, हम किसी को डरेंगे नहीं, हम JDS का काम करने के लिए, और हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके हम JDS का काम करेंगे हम।
और कोई भी आंदे सामने, हम जीडीएस को जिताए तक सुकून से बैठने वाले नहीं है। नासिर हुसैन उस्ताद जिंदाबाद, नासिर हुसैन उस्ताद जिंदाबाद, जीडीएस पार्टी जिंदाबाद। मैं बोलना चाहता हूँ नासिर उस्ताद जो जेडीएस पार्टी है, जो एमएलए इलेक्शन में ठहरे हैं उन्होंने, इंशाल्लाह उनको हम कामयाब करेंगे। इस्लामाबाद पूरा यूथ उनको सपोर्ट कर रहा है। आजम पटेल जो हमारे कॉर्पोरेटर है, अभी भी है, तो उनको हमारे इसके जो इस्लामाबाद कॉलोनी है पूरा सपोर्ट करेंगे। वार्ड नंबर 4 में तो अच्छा मैसेज पहुँचाएंगे हम, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा मेहनत करेंगे। ये जो कांग्रेस कांग्रेस बोल रहे हैं कुछ नहीं पर करते हैं, हम खुद कॉर्पोरेट इलेक्शन में देखे हैं, आके जो हम उनको साथ दिए, 4 साल उनके पीछे पड़े हैं, उन्होंने कुछ नहीं कर सके, हमको भरोसा है। अब क्या करेंगे वो लोग जिता के दिए के बाद, उस वजह से हमको अच्छा लीडर देखना पड़ेगा। वो है नासिर उस्ताद, जो चाचो डल पे पूरी पब्लिक को, जो उस्ताद को मालूम पड़ा वो पूरा हटाए, अभी तक जैसा गरीब को जैसे कमा के खा रहे हैं वो, उनको उस वजह से उन लोग भी नासिर उस्ताद को सपोर्ट करते हैं बोल के बोले। स्वयं शुक्रिया, मैं इतना बोलना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वार्ड नंबर 4 से, इस्लामाबाद यूथ अपना पूरा ग्रुप है, इस बार जेडीएस को सपोर्ट रहेगा आजम पटेल के साथ रह के, और ऐसा मैसेज देने वाला है नासिर हुसैन उस्ताद को ही जिताना है, और कोई पार्टी को नहीं। 12